हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 ज्योग्राफी एंड इट इज द चैप्टर 4 क्लाइमेट एंड स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट 3 दैट मींस इट इज द 3 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द क्लाइमेट. इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे महत्वपूर्ण पॉइंट पे बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं जो कि आपका अभी यह थर्ड वीडियो है. तो बच्चों सेकंड वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था. सेकंड वीडियो में बच्चों हम लोग ने देखा था इंडियाज क्लाइमेट एंड विच टाइप्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट इट इज द मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. हम लोग इसका डिस्कस किए थे कि भारत देश का क्लाइमेट मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है. अब उसमें हम लोग उसकी कंडीशंस देखे थे प्रेसिपिटेशंस देखे थे. तो बच्चों इस वीडियो में हम आप क्या डिस्कस करते इस वीडियो में हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं. एक्चुअली व्हाट इज द मैटर. हमने लास्ट वीडियो में एक एक्यूरेट उस बेस पे डिस्कस किया था कि क्लाइमेट मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ये एक बड़े प्लेस का है बट टू सेम प्लेस नॉट ओनली प्लेस. आप कंट्री की बात करें एक कंट्री में ही अगर पूरे कंट्री का क्लाइमेट मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है तो जम्मू कश्मीर और गुजरात राजस्थान वाई सो मेनी डिफरेंसेस वी आर गेटिंग कंसर्निंग द क्लाइमेट. अलग अलग स्टेट में इतने डिफरेंस क्यों दिखते हैं क्लाइमेट और टेम्परेचर में ऐसा क्यों होता है. तो बच्चों यह सारे मैटर को इफेक्टेड करता है प्रभावित करता है जो उससे रिलेटेड कुछ टॉप पॉइंट्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. क्लाइमेट को कंट्रोल कौन करता है ये पॉइंट टू पॉइंट सारे हम आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और कुछ इस वीडियो में और कुछ अन्य वीडियो में बच्चों. तो इस वीडियो में हम आप क्या देखेंगे इसमें हम आप देख रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल लेटीट्यूड्स. लेटीट्यूड्स क्या होता है और लेटीट्यूड की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है क्लाइमेट कंट्रोल करने में. आपको अभी हम साइड में पॉइंट सारे इंडिकेट कर देते हैं जो जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं तब आपके समझ में आएगा ओ ये बातें हैं. तो सुनिए क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए लेटीट्यूड्स अल्टीट्यूड्स प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम डिस्टेंस फ्रॉम द सी ओशियन करेंट एंड रिलीफ फीचर ये सारे इतने फैक्टर हैं जो सारे रिस्पांसिबल होते हैं किसको क्लाइमेट को कंट्रोल करने में. तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने में ये सारे फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं. लेकिन इस वीडियो में बच्चों हम आप क्या देखने जा रहे हैं इस वीडियो में हम आप देखने जा रहे हैं व्हाट इज द व्हाट रोल डज लेटीट्यूड प्ले टू क्लाइमेट. क्लाइमेट को कंट्रोल करने में लेटीट्यूड का क्या रोल होता है अभी हम आप इसको देखेंगे. फिर हम आप देखेंगे इसी वीडियो में व्हाट इज अल्टीट्यूड्स दैट मींस व्हाट रिस्पांसिबिलिटी टू कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ अल्टीट्यूड्स. अल्टीट्यूड्स किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है देखिए लेट्स डिस्कस हाउ अल्टीट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन. अब आप यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं किस तरह से लेटीट्यूड क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. हाउ डज दिस कंट्रोल द क्लाइमेट किस तरह से कंट्रोल करता है ड्यू टू ध्यान से सुनिए ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड्स. अब आप इतना समझिए अब पॉइंट्स पे आप आ जाइए लेटीट्यूड्स. आप देखिए लेटीट्यूड्स होता है क्या ये आपका ग्लोब है. फर्स्ट चैप्टर में अपना माइंड जरा ले जाइए फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था जो लेटी हुई लाइन है लेटीट्यूड्स लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स ध्यान आ गया. लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड्स ये 0 डिग्री लेटीट्यूड्स 33 हाफ डिग्री लेटीट्यूड्स 63 हाफ डिग्री लेटीट्यूड्स एंड 90 डिग्री लेटीट्यूड्स ऐसे आपने बताया था ना. अब उस पर फिर आप सदर्न पोल नॉर्दर्न पोल अब आप आइए लेटीट्यूड्स पे
क्या भी आपको पता है कि लेटिट्यूड्स इफेक्ट कर देता है, प्रभावित करता है किसको, क्लाइमेट। लेटिट्यूड के ही कारण किसी स्थान पे क्लाइमेट कोल्ड होता है, किसी स्थान पे हॉट होता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अब आपको हम ऐसे कैसे बताते हैं। देखिए ये है लेटिट्यूड, एक लेटिट्यूड आपका 0 डिग्री है और दूसरा हम मान लेते हैं मेजर जो उसकी चर्चा कर रहे हैं 33.5 माना जाता है और 63.5, ये सब क्या है, ये सब कहाँ पे है 33.5 पता है आपको, चलिए ठीक है। और आपने पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब ध्यान है। तो आप मेन पॉइंट पे आइए, किस कारण से क्लाइमेट यहाँ पे ज्यादा या कम होता है। ये प्लेस जो होता है यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए सनरेज डायरेक्ट आते हैं, ये सनरेज डायरेक्ट आते हैं बीच वाले प्लेस पे 0 डिग्री लेटिट्यूड्स या फिर आप 33 दोनों साइड में कह सकते हैं, इस बेस प्लेस पे मैक्सिमम सनरेज डायरेक्ट आते हैं, इसलिए यहाँ का मौसम हॉट होता है। और जितने ही आप ऊपर साइड में जाएंगे, जितने ही डाउन साइड में पोलर रीजन में जाएंगे, उतना ही मौसम कोल्ड होता है। आपको पता हुआ इतना, किस तरह से लेटिट्यूड ने इसको प्रभावित किया, लेटिट्यूड रिस्पांसिबल हुआ मौसम को, वेदर को, क्लाइमेट को इफेक्टेड करने में। इतना आपके समझ में आया, आपने क्या देखा लेटिट्यूड्स क्या रोल प्ले करता है क्लाइमेट को इफेक्ट करने में। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर लेटिट्यूड्स मोर सोलर रेज, लोअर कौन है, लोअर मीन्स 0 डिग्री लेटिट्यूड लोअर है, यहाँ सोलर रेस सबसे तेज आएगी। जब सोलर रेस सबसे तेज होगी तो हीटनेस भी तेज होगा, हॉटनेस भी तेज होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा। और आपने क्या पढ़ा, लोअर लेटिट्यूड्स मोर सोलर एनर्जी और लोअर के बाद हाइयर लेटिट्यूड्स, हाइयर मीन्स आप 90 पे आ जाएंगे या 33, 66, जितने आप बढ़ते जाएंगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते जाएंगे, जितना आपका लेटिट्यूड बढ़ता है उतना क्या होता है, आपका लेस सोलर रेज कम होती है। क्योंकि आप मान लो सन हो, डायरेक्ट सन तो हर बच्चे अपने पेरेंट्स के रहे हैं, हाँ तो आप सर आपकी रेज इस पे आ रही है, कहाँ पे, अर्थ पे, लेटिट्यूड्स पे डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन इस पे आप देखिए कम आएगा। इसलिए यहाँ पर मौसम कोल्ड होता है, यहाँ पर मौसम हॉट होता है। आगे देखिए कॉमन रीजन है, भैया आप फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा लोअर लेटिट्यूड्स मोर सोलर रेज, हाइयर लेटिट्यूड्स लेस सोलर रेज। अब सो टेम्परेचर एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटर के टेम्परेचर हाई होते हैं। और टेम्परेचर एट पोल्स, पोल्स पे टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा, टेम्परेट होगा, फ्रिजिड जोन होते हैं। क्लाइमेट आल्सो वेरियस अकॉर्डिंगली, इसी के कारण ही क्लाइमेट अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग डिफरेंट मॉडल की, डिफरेंट टाइप की हो जाती है। तो आपने देखा किस तरह से क्लाइमेट प्रभावित होती है, किसके द्वारा, लेटिट्यूड्स के द्वारा। आपने देखा लेटिट्यूड्स किस तरह से कंट्रोल करता है क्लाइमेट, वेरिएशन इन डे एंड नाइट बिटवीन कश्मीर एंड तमिलनाडु, कश्मीर एंड तमिलनाडु के बीच में भी वेरिएशन, बहुत डिफरेंसेस आपको दिखता है कश्मीर एंड तमिलनाडु, बड़ा बहुत डिफरेंसेस तो आपके लेटिट्यूड्स पे नहीं है। अगर हम आप चर्चा करते हैं सेम लेटिट्यूड की, चलिए पॉइंट्स की चर्चा आपसे करते हैं सेम लेटिट्यूड्स। मान लीजिए इंडिया का प्लेस कहाँ है, ये इंडिया का एक प्लेस हिमालय का हो गया, यहाँ पे जिस तरह का टेम्परेचर होगा हिमालय के प्लेस पे, क्या वही टेम्परेचर ये आपका ईरान है, ईरान उसी लेटिट्यूड्स में है, क्या वहाँ पे भी होगा, ईरान पे टेम्परेचर बहुत हॉट रहता है और हिमालय का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जबकि दो
दोनों सेम लेटिट्यूड्स पे है, इट इज वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट्स अबाउट एल्टीट्यूड्स। ये आपको बताता है एल्टीट्यूड्स। अब आप देखिए एल्टीट्यूड्स क्या है, आपने अभी लेटिट्यूड्स देखा है, एल्टीट्यूड्स क्या है। एल्टीट्यूड्स इज डिस्टेंस मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन। बहुत इजी चीज है, कोई टफ नहीं है। एल्टीट्यूड जरा भी कंफ्यूजन में मत आइए। नो कनेक्शन विद एल्टीट्यूड्स आर एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये ध्यान रहे एल्टीट्यूड्स का कनेक्शन किसी भी तरह कोई लगाव संबंध लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड से नहीं है। फिर आप समझ लीजिए एल्टीट्यूड्स है क्या। एल्टीट्यूड्स ऊंचाई है, मेजरमेंट है जो किसी भी चीज की वर्टिकली ऊंचाई। आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। इसमें देखिए आपका ये लेटिट्यूड है, ऐसे दिस इमेजरी लाइन इज लेटिट्यूड एंड इट इज द लॉन्गिट्यूड। यही हिमालय पे आपके कुछ यही एक क्या है, कोई माउंटेन्स। इस माउंटेन्स की जो ऊंचाई होगी वर्टिकली, ये ऊंचाई इट इज आर अल्टीट्यूड्स। सी लेवल से किसी भी प्लेस की ऊंचाई उसी को अल्टीट्यूड्स बोलते हैं। चलिए आपको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये आपका सी लेवल है, सी लेवल आपका सी लेवल हो गया, सी लेवल समुद्र तल। और इससे आप एक प्लेटू है जो इसके इस बगल सी लेवल पे ही है जिसकी ऊंचाई उतनी है। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर से कम लेस टेम्परेचर, जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे टेम्परेचर लेस होगा। यही पे आगे पहाड़ माउंटेन्स, यहाँ का टेम्परेचर और कम होगा, लेस होगा। दिस इज द एल्टीट्यूड्स। जितनी ऊंचाई पे आप जाते हैं सी लेवल से, यही एल्टीट्यूड्स है। चलिए इतना आपके समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से। अभी हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था हिमालय इन जम्मू कश्मीर एंड ईरान सेम लेटिट्यूड्स, लेटिट्यूड्स तो सेम है बट अल्टीट्यूड्स आसान से। हिमालय ऊंचाई प्लेस पे है, ईरान ऊंचाई प्लेस पे सी लेवल से नहीं है, इसलिए ईरान का मौसम हॉट है और हिमालय का मौसम कोल्ड है। अल्टीट्यूड्स यहाँ रिस्पॉन्स दिखा रहा है, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स के कारण ये आपको चेंजिंग दिखी। आगे देखिए एज वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर अल्टीट्यूड्स, अर्थ सर्फेस से जितने ही ऊंचाई पे आप जाते हैं द एटमोस्फियर बिकम लेस। एटमोस्फियर, एटमोस्फियर वहाँ पे लेस हो जाता है, डिक्रीज डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज डेंस। आपके एटमोस्फियर में जो भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं, वह जितने भी आप ऊपर जाएंगे वहाँ क्या होता है, कम होता जाता है। और कम होने के कारण ही वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है। आप कभी हिमालय पे आप जाइए, पहाड़ी क्षेत्र पे आप कभी हिली एरिया में जाइए, वहाँ का मौसम इसीलिए ठंडा होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाता है ऊंचाई में जाने के कारण। दिस इज द मैटर ऑफ इट। तो एल्टीट्यूड्स पर प्लेस पे आपके टेम्परेचर कम हो जाता है, ऑक्सीजन आपका कम मिलने लगता है और एयर पार्टिकल्स भी वहाँ पे आपके कम होते हैं। वहाँ का एटमॉस्फियर क्लियर स्पष्ट रहता है, ये आपको ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए आप जब द क्लाइमेट है हिल स्टेशन, हमने भी आपसे कहा हिल स्टेशन किस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ प्लेसेस एट द सेम लेटिट्यूड्स ऑफ हिमालयस, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ सेम लेटिट्यूड्स ऑफ हिमालयस। हमने आपसे क्या बताया, हिमालय पे एक निश्चित प्लेस पे क्लाइमेट कंडीशन जो है क्या होगा, सेम होगा। वहां पे उसी लेटिट्यूड्स पे अगर आप होंगे तो उसी लेटिट्यूड्स पे, लेकिन आप हिमालय के प्लेस पे, क्योंकि हिमालय का अल्टीट्यूड्स भी इक्वल जहाँ रहेगा वहाँ सेम, बट अल्टीट्यूड्स इफ टू बी चेंज, तो वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन भी चेंज हो जाएगा।
So the climate condition of the higher altitudes varies from the lower altitudes. यही रीजन है कि क्लाइमेट कंडीशन हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड्स का वेरियस डिफरेंस हो जाता है. हिमालय का सेम लेटिट्यूड, हमने अभी तुरंत आपको एग्जाम्पल हिमालय और ईरान, वही आप प्लेस ले लीजिए, ईरान ही नहीं, आप ये तुर्की है उसी प्लेस पे और ये इराक है उसी एल्टीट्यूड्स पे, वही ले लीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा. इराक ईरान सब कैसे हॉट क्षेत्र है, बट हिमालय इट इज अ कोल्ड बिकॉज एल्टीट्यूड्स एंड अल्टीट्यूड्स आर डिफरेंट. एल्टीट्यूड्स आर सेम बट अल्टीट्यूड्स आर डिफरेंट, इट इज द मैटर. सो वी कैन से अल्टीट्यूड्स आर आल्सो इफेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ द एरिया. क्षेत्र के क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए एल्टीट्यूड्स के साथ एल्टीट्यूड्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. So, बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयर प्रेशर, किस तरह से एयर प्रेशर क्लाइमेट को प्रभावित करता है, क्लाइमेट को परिवर्तित करता है, चेंज करता है. एक स्थान पे क्लाइमेट, जलवायु, एक स्थान पे कम, एक स्थान पे ज्यादा, इट इज वाई. किस तरह से एयर प्रेशर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल स्पष्ट करता है, दिखाता है. तो बच्चों इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्लाइमेट को किस तरह से एल्टीट्यूड्स कंट्रोल करता है और किस तरह से एल्टीट्यूड्स कंट्रोल करता है. अगले वीडियो में बच्चों हम लोग अगले पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कॉजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज दैट एलिमेंट रिसर्च एज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल क्लाइमेट. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो अदर एलिमेंट विच ऑल्सो टू बी कंट्रोल टू द क्लाइमेट. सो स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.